अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे चैनल ए वाई जेड गार्डन में, और मैं आपकी गार्डन जी। चलिए जी, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बताऊंगी आज के वीडियो में कुछ एक अलग चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये प्लांट्स देख रहे हैं कितने हेल्दी है। ये पानी में है, देख सकते हैं आप, छोटी सी एक डब्बी में सिर्फ मैंने पानी डाला है और ये कटिंग्स लगाई थी, और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने सोचा आज आपको मैं यही बता दूं। इसी के ऊपर आज आज की टॉपिक रहेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, ये है, ये क्या चीज़ है जो बहुत फ़ायदेमंद है? ये है शहद। शहद का क्या इस्तेमाल होगा गार्डन में, क्यों शहद हम यूज़ करें, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, इसमें हनी है, देख सकते हैं आप, ये शहद है। शहद बहुत बहुत अच्छा रूटिंग हॉर्मोन्स होता है आपके प्लांट्स के लिए। इतनी जल्दी रूट्स आते हैं ना आपके, कौन से भी कटिंग में बहुत जल्दी आपको रूटिंग्स लेना है तो आप ज़रूर शहद का यूज़ करिए। यही शहद की वजह से ये इतने अच्छे हेल्दी प्लांट्स बने हैं। ये आप देखेंगे तो ये बहुत सस्ता ही आपको मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा बॉटल नहीं है मेरे पास, छोटा ही मैंने बॉटल रखा था। ये महज 18 रुपए का कुछ बॉटल आया था मेरे को, जिसको मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डनिंग में। जब कभी कोई कटिंग लेते हैं ना हम, तो हम इसमें शहद में है ना थोड़ी सी लगा लेना चाहिए। इसके मैं आपको बताऊँगी, प्लांट्स पे बताती हूँ मैं। ये देखिए, ये प्लांट्स हैं जिसको मैंने, जिसके ऊपर मैंने यूज़ किया है, देखा है ये कर पानी मैंने लिया था, और उसमें मैं, ये देखिए आप कटिंग में कितना अच्छा डेवलपमेंट है, रूट्स आ गए हैं, और आप देखेंगे ये बहुत हेल्दी कटिंग हो गई है। स्टेम देखेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ गई है। हनी में हम रखने से कुछ नहीं करना है आपको, एक और बॉटल में या ग्लास में पानी ले लीजिए, और उसमें आप अपनी कटिंग को ना हनी में है सो उस पानी में आप, बस ज़्यादा नहीं, आपको एक ड्रॉप हनी डालना है, और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये देख रहे हैं आप बॉटल, जब मैं इसमें डाली थी इसका आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा मुँह है बॉटल का, लेकिन जब मैंने इसको, इस कटिंग्स को डाली थी ना, इसमें इतने रूट्स नहीं थे, सिर्फ मामूली सी छोटी सी कटिंग्स थे, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने शहद भी डाला है, एक आपको है सो ज़्यादा नहीं डालना है, एक ड्रॉप दो ड्रॉप आप शहद के डाल दीजिए जब भी पानी में। और ये इतने कटिंग थी ना ना इसमें लीव्स थे, तब मैं सिर्फ देखना चाह रही थी। ये देखिए आपको नज़र आएंगे न्यू न्यू रूट्स इसमें इतने फास्ट आने की वजह है, और देखिए रूट्स काफ़ी लंबे हैं। मैं आपको दोनों के बताऊंगी, दोनों के रूट्स आप देखिए बहुत अच्छे इसमें इसमें रिजल्ट आया है मेरे को, तो मैंने सोचा चलिए आपको बता दूंगी। गार्डनिंग खाली प्लांट्स लाके नर्सरी से लगाने को नहीं कहते हैं जी, आप अपने से कुछ करिए और उसकी जो खुशी मिलेंगे ना आप देखेंगी। ये देखिए कितने सारे इसमें रूट्स डेवलप हुई है, इसकी वजह यही है कि मैंने इसमें ना क्या किया था, एक ड्रॉप शहद का डाल दिया था। पानी लीजिए, साफ पानी लीजिए, नीट रखिए, और वीकली आपको पानी चेंज करना है। तो देखिए ये 1 वीक तो हो चुका है, 10 डेज़ का रिजल्ट है ये। 10 डेज़ में मेरी कटिंग ना ही के लीव्स अच्छे हो गए, इसके लीव्स भी देखिए आप बड़े हेल्दी है, और आप देख सकते हैं अंदर इसके लीव्स, न्यू लीव्स आ रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, न्यू लीव्स भी आना शुरू हो गए मेरे प्लांट में, और रूट्स तो पूछिए मत, कितने अच्छे से इसके रूट्स आए हैं। फिर से मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और फिर मैं पानी चेंज कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए वीडियो एक बना ही देती हूँ मैं। आप लोगों को भी पता चलना चाहिए नए नए चीज़ें, जिससे है सो हमें फ़ायदा हो, हम गार्डनिंग करें, और प्लीज़ नेचर का साथ दीजिए, गार्डनिंग करिए। जो कोई भी छोटे से छोटे पॉट्स हो या वेस्ट चीज़ें, उसमें कटिंग्स लगाया करिए, हरा भरा रखिए, अपने सिटी को हरी भरी रखिए। और एक दूसरी चीज़ के बारे में मैं आज आपके प्लांट के फ़ायदेमंद की चीज़ बताती हूँ आज के वीडियो में आपको, वो है जी कॉफ़ी। कॉफ़ी का क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी किस लिए हमें फ़ायदेमंद होगी, या फिर कॉफ़ी का क्या यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। ये कॉफ़ी है, देखिए मैंने इसका पेपर निकाल दिया है, पता नहीं, ये देखिए ये कॉफ़ी है जो ख़राब हो गई है मेरे पास, लेकिन हम इसको फेंकेंगे ना, इसका हम यूज़ करेंगे अपने गार्डन में। कैसे यूज़ करेंगे चलिए मैं बताती हूँ आपको, कुछ नहीं करना है जी आपको, ये ख़राब हुई सो कॉफ़ी ले लीजिए आप, इसी में आपको बस ज़रा सा आपको पानी लेना है, इसमें मैं बताती हूँ, इसी में आपको पानी डालना है। ये देखिए ये वाटर मैंने लिया है, और इसमें मैंने फुल कर दिया, इस कॉफ़ी को अच्छे से भिगा लिया मैंने पानी से, ये देखिए
ये देख रहे हैं आप, कॉफ़ी को मैंने अच्छे से इसको, हम पूरी कॉफ़ी को अच्छे से इसमें पानी को मिक्स कर लेंगे। इस ख़राब हुई सो कॉफ़ी को हम यूज़ करेंगे। अब इस कॉफ़ी का क्या यूज़ होता है तो मैं आपको बताती चलूँ। ये कॉफ़ी जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके प्लांट्स के लिए। और ये जो रोज़ेस है या हिबिस्कस है या जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल करिए। देखिए कौन से भी चीज़ हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जब बनाते हैं ना, कौन सी भी चीज़ हो क्वांटिटी कम रखिएगा। अब जैसा हाफ कप अगर आप कॉफ़ी ये ले लेंगे हम, ज़्यादा मात्रा मत रखा करिए। देखिए हाफ कप है ना, 1 कप है, कप में मैं अगर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये मैं इसमें कॉफ़ी का जो मैंने मिक्स किया है ना ये निकाल लूँगी, ये मैं निकालूंगी। अब आपको बताती हूँ मैं कितनी हम क्वांटिटी लेंगे जिससे हमें नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए हाफ कप है, सो ये कॉफ़ी है, दिख रही है आपको कॉफ़ी, और ये 1 स्पून हो गई होगी। 1 स्पून कॉफ़ी मैंने आधे कप पानी में मिक्स कर लिया। और अब इसी को हम डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे हमारे पॉट में, हम क्या करेंगे, आधा बकेट पानी लेंगे, हाफ बकेट हम पानी लेंगे। नियरली 2 लीटर्स पानी में आप इतनी कॉफ़ी, 1 चमचा कॉफ़ी और इतना डाली। ऐसे डालने से क्या होता है ना, नुकसान नहीं होता है। आप कौन सी भी चीज़ देखिए, हम अगर हद से ज़्यादा खाएंगे तो हमारी सेहत ख़राब होगी। वैसे प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स को भी आप एक क्वांटिटी रखिएगा, एक अंदाजे से डालिएगा। ऐसा नहीं कि आप जिप से कॉफ़ी ले लिए, आप 1 चमचा कॉफ़ी ले लिए और पॉट में डाल दिए तो आपका झाड़ मर जाएगा, वो नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि वो नुकसान हो जाएगा, अपनी लाइफ खो देगा। तो आपका काम यही है। तो आप कॉफ़ी लेंगे ना, देखिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा बाकी है, मैंने सिर्फ पानी डाला और उस पानी को ले लिया। और अब हम 1 बकेट पानी में, हाफ बकेट समझिए, 2 लीटर्स, नियरली 2 लीटर्स में हम हाफ कप कॉफ़ी का डाल, ये मिक्स कॉफ़ी है, हाफ कप मीन्स एकदम कॉफ़ी नहीं, 1 स्पून कॉफ़ी हाफ कप पानी में मैंने मिक्स किया है। और इसको मैं हाफ कप बकेट में डालूंगी, डाल के मैं रोज़ प्लांट है हिबिस्कस, कोई हिबिस्कस का प्लांट अगर आपका मर जा रहा है तो आप ये अप्लाई करिए। ये देखिए जी शहद का कितना अच्छा रिजल्ट आया। तो मैं आज बस यही 2 चीज़ों के बारे में बताने के लिए आपको वीडियो बनाई हूँ कि कॉफ़ी और हम शहद का क्या यूज़ करेंगे, हनी और कॉफ़ी का क्या यूज़ होता है, आपके प्लांट्स कैसे हेल्दी होंगे और हम किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं, यही मैंने आज के वीडियो में बताया। ये देखिए कटिंग्स कितनी अच्छी हो गई है, ये कटिंग देखिए कितनी हेल्दी हो गई है ना, ये कटिंग देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, इसमें कलियाँ भी बन गई थी, ये देखिए कलियाँ भी आना शुरू हो गई है इसमें। तो आपके प्लांट्स नहीं ख़राब होंगे। अगर कोई कटिंग वगैरह आपके पास है और वो बहुत मुरझाई हुई है, आपको लगता है अरे हमारे पास तो ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा, तो आप ऐसा काम करिए, पानी में ऐसा थोड़ा सा शहद डालिए, 1-2 ड्रॉप डालिए, जितने आप, देखिए आप बड़ा बर्तन लेंगे तो ज़्यादा डालिए, छोटा सा अगर 1 ग्लास ले रहे हैं आप तो उसमें मैं बताऊँगी आपको, 2 ड्रॉप्स हनी डाल के आप कटिंग्स अपनी रख लीजिए और उसका रिजल्ट ये मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे माशाल्लाह से। देखिए कितनी हेल्दी हो गई है और ये देखिए इसके लीव्स भी आ रहे हैं। अगर आपको ये वाइजेट गार्डन के वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नए नए टिप्स देती रहूँगी मैं, और मैं बहुत शॉर्टकट और बहुत मतलब आसानी से गार्डनिंग करती हूँ, तो अपने वीडियोस में मैं बताती रहूँगी मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे फ़ायदे हुआ या नुकसान हुआ। तो ये था जी आज का वीडियो, जो देखिए मैंने छोटे से ना बॉटल में ही, ये देखिए अब कितना छोटा बॉटल है, ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा बॉटल है, और इसमें ना मैंने खाली रख दी थी, ऐसे ठहरा दी थी कटिंग्स, और ना कटिंग्स देखिए, और मैं इसमें डाली थी थोड़ा सा शहद, और ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आ गया मुझे। तो मैंने सोचा आज मैं पानी बदल रही थी इसमें, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती चलूँ कि मैंने कैसे किया क्या किया। ये देखिए इसी का रिजल्ट है जी, कितना अच्छा रिजल्ट आया है ये कटिंग्स पे, देखिए आप मैंने बस ऐसे, ये तो कितनी हेल्दी हो गई, देखिए आप इसके लीव्स भी कितने बड़े बड़े हो गए, और ये ऐसे स्टेम्स ना लंबे हो रहे हैं इसके, इतनी लंबी नहीं थी ये डाली, लेकिन इसके स्टेम्स पता नहीं सडनली इतने लंबे लंबे हो गए, और इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए जी कितनी अच्छी से ग्रोथ हुई है मेरे प्लांट्स में, मैं तो खुश हो गई। ये ना मैं जब इधर से उधर पॉट्स हटा रही थी ना, तब भैंसो
ख़राब हो गए थे और मैं समझी कि अब इसमें कुछ नहीं है, कि फ्लावरिंग प्लांट है ये, तो हम ख़रीदने जाओ तो अच्छे से पैसे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा तो देखिए कितने हेल्दी लीव्स हो गए, बहुत प्यारा सा इसका रिजल्ट आया है, कॉफ़ी और शहद का। तो आप भी ऐसे चीज़ें यूज़ करिए। ये देखिए कॉफ़ी है, ये मैं आपको बताती चलूँ, ये कॉफ़ी है, ये देखिए अभी बहुत है इसमें कॉफ़ी, तो थोड़ी सी लीजिए, 1 चम्मच कॉफ़ी लीजिए आप। और है सो एक मग, देख रहे हैं आप कप है ना, एक कप में है सो, ये कप है देख सकते हैं आप, इस कप में मैंने मिक्स किया था। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है प्लांट्स के, हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है प्लांट्स का, मैं रख के बताती हूँ आपको। ये देखिए दिख रहे हैं आपको, 1 मिनट, ये देखिए कितना अच्छे हेल्दी प्लांट्स हो गए हैं मेरे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो यही था जी आज का वीडियो, आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने शहद का, ये शहद है देखिए, शहद का मैंने इस्तेमाल किया, अब 1 बोतल में मैंने शहद लिया, शहद का इस्तेमाल किया और देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है मुझे। कॉफ़ी और शहद के बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगी, यही वीडियो बनाई थी मैं। ये देखिए ये कॉफ़ी मैंने मिक्स की है, 1/2 कप में मैंने डाला था, बताया है ना मैंने आपको, थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने ली थी इसमें मिक्स कर ली। ये देखिए कप में, देखें 1/2 कप में 1 चम्मच मैंने लिया था और ये जाएगा 2 लीटर्स पानी में। फिर से मैं बता रही हूँ, पानी की क्वांटिटी जब आप अप्लाई करें तो डायरेक्ट ऐसे ही मत डाल दीजिएगा, इसको पानी में हमें 1/2 बकेट पानी में मिक्स करना है, फ्लावरिंग प्लांट्स को देना है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, भर जाएंगे आपके प्लांट्स के ऊपर कलियाँ फूलों भर जाएंगे, आप फ्लावरिंग प्लांट्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए शहद का ये रिजल्ट आया है, ये देखिए मैंने छोटे से बॉटल में, ये देख रहे हैं आप, छोटे से बॉटल में पानी में रख दी थी कटिंग्स, और बहुत अच्छा मेरे पास रिजल्ट आया। तो यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।